जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल फ्रॉम ईबस मोबिलिटी। और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे चूज कर सकते हो एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा चूज करने के लिए आपको पहले चूज करना है आपके रिक्शा का टाइप। टाइप क्या होता है? पैसेंजर्स और लोडर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिठाएं और उसके साथ आप कमाई करें तो आपको लेना है एक पैसेंजर रिक्शा। और लोडर क्या होता है? लोडर वो है जिसके अंदर आप चीज़ें ले जाते हैं, लोगों का सामान ले जाते हैं, कार्टून्स ले जाते हैं, वाटर बॉटल्स हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारे आते हैं इसके अंदर। काफ़ी लोग अभी पैसेंजर्स को भी ये सेम चीज़ के लिए यूज़ करने लगे हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लोगों को लगता है कि इसके बाद आपको चूज़ करनी होती है बैटरी, बट नहीं, आपको चूज़ करना है व्हीकल की स्पेसिफिकेशंस, मोटर की स्पेसिफिकेशंस। मोटर के अंदर आती है दो मोटर्स, L3 और L5। ये आप कैसे चूज़ करेंगे? आपको बस ये देखना है कि आपको कितनी रफ्तार की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा है कि अगर आप हाईवे के अंदर गाड़ी चलाते हैं, अगर आप हाईवे के अंदर रिक्शा चलाते हैं, तो फिर आपको चाहिए L5। और अगर आप मेनली सिटीज़ के अंदर काम करते हैं तो आपको चाहिए L3। इन दोनों के बीच में आप एक और डिफरेंस भी देख सकते हैं। आप कितने लोगों को बिठाने वाले हैं, आपको कितनी ताकत की ज़रूरत है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। L3 के अंदर आप अपने नॉर्मल सवारी के हिसाब से 350 से 500 किलो तक का वज़न आराम से उठा पाएंगे, और L5 के अंदर आप ऑलमोस्ट 700 से 800 किलो तक उठा पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। फाइनली बैटरी। अब बैटरी में आपको दो तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है सबसे सस्ता, लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या होता है, आपकी रिक्शा के अंदर 3, 4, 5 बैटरीज हो सकती है और वो सबको एक साथ मिलाया जाता है और आपको एक रेंज मिलती है। बट लेड एसिड बैटरीज जो है, एक तरफ सस्ती भी होती है पर दूसरी तरफ इसके अंदर आपको नुकसान भी काफ़ी सारे मिलते हैं इसके। अगर आपकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है तो आपकी रिक्शा की स्पीड भी कम हो जाएगी, या फिर अगर आप ज़्यादा वजन डालते हैं रिक्शा के ऊपर तो भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसके ऊपर आती है लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरी जो है, ये आपको 3, 4, 5 की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बैटरी से काम हो जाएगा, तो आपको रिक्शा के अंदर थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाएगी। बेशक कि लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी से थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन इसका खर्चा आपको फ्यूचर में दूसरे खर्चे से बचा लेगा। लिथियम आयन बैटरी के जो लाइफ स्पैन है वो लेड एसिड से कई ज़्यादा है। और इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरी में और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग आपको मिल सकता है इसके अंदर, स्टोरेज स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये आपको सालों सालों तक चलती रहेगी। और अगर आप इससे भी थोड़ा और चाहते हैं तो आपको कुछ रिक्शाज के अंदर मिल जाएगी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज। ये लिथियम आयन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। ये जो बैटरीज होती हैं, ये स्पेसिफिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि ये गर्म होकर इसमें हीटिंग इशू ना आए या फिर ये कभी आग ना पकड़ ले। अगर आपको सेफ्टी कंसर्न्स है ई रिक्शा को लेकर तो आपको LiFePO4 बैटरीज के अंदर ही जाना चाहिए। हाँ, अब बैटरीज चूज़ करते करते आपको आपका बजट ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बैटरीज जो है वो अलग अलग प्राइस रेंजेस पर आती है। तो जब आपने आपकी ये तीन चीज़ों को फाइनल कर दिया है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ों को देख लेंगे, इसके बाद आपको जाना है दूसरी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि बॉडी का मटेरियल क्या हो गया, या फिर उसके अंदर दूसरे फीचर्स कौन से हैं, म्यूज़िक सिस्टम है या नहीं है, कम्फर्ट कितना है। तो वैसे ही दूसरी छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया ब्रांड। आपको ब्रांड वैल्यू अगर ज़्यादा पसंद है तो आप किसी अच्छे ब्रांड में जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको ब्रांड वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है तो आप दूसरी ब्रांड्स में भी जा सकते हैं। ब्रांडिंग के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको रिक्शा चूज़ करने के लिए, वो है सर्विस। आप किसी भी ब्रांड की रिक्शा ले, आपको हो सकता है कि सर्विस की ज़रूरत पड़े, तो इसी में जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे, और जो छोटे ब्रांड्स होते हैं उसमें हो सकता है आपको वैसी सर्विसेज ना मिले। कुछ कंपनीज होती है जैसे कि हमारा अपना ईबस, जिसके पास पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक सर्विस स्टेशन का एक अच्छा नेटवर्क है, पर इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चेक करना है सब्सिडीज के बारे में। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर एक गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडीज मिलती है। आपको चेक करना है कि आप जो ब्रांड में से रिक्शा खरीद रहे हैं वो ब्रांड आपको ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये सारी जो सब्सिडीज़ होती है ये काफ़ी बड़े अमाउंट की होती है, जैसे कि 40,000, 50,000 रुपये। तो ईबस नहीं चाहता कि आपकी मेहनत की कमाई आपसे छीन ली जाए।
तो ये वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसी रिक्शास चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ हमारी ईवस की इलेक्ट्रिक रिक्शा। हमारी ईवस की जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो है L3 व्हीकल। L3 क्या होता है याद कीजिए, हमने जो पॉइंट के अंदर चूज किया था, L3 व्हीकल जो है यह 35 किलोमीटर के अंदर की स्पीड देने वाला और वेट कितना उठाएगा 500 किलो। और हमारी जो ईबस की इलेक्ट्रिक रिक्शा है इसके अंदर आती है लिथियम आयन बैटरी और इसके अंदर भी लिथियम आयन फॉस्फेट, मतलब आपको हीटिंग इशू नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आपको जो भी सब्सिडीज होती है वो सारी की सारी आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिल जाती है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शाज का या फिर डीलरशिप लेनी है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। और हमारे रिक्शाज का एक्सक्लूसिव ओवरव्यू अगर आपको देखना है तो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। जय हिंद।